बंगाल में अमित शाह की रैली हुई रद्द तो अभिषेक बैनर्जी ने कसा तंज। इससे ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आ जाते हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की झारग्राम रैली के रद्द होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने तंज कसते हुए सोमवार को कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता की रैली से अधिक लोग तो जेसीबी से की जाने वाली खुदाई को देखने या किसी दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए एकत्र हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम जैसे अपने शासन वाले राज्यों को स्वर्णिम राज्य में तब्दील नहीं कर पाई तो वो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा कैसे पूरा कर सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने उपहास करते हुए कहा कि क्या बीजेपी गाय के दूध से सोना निकाल कर सोनार बांग्ला बनाने की योजना बना रही है। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निर्धारित झारग्राम रैली कुछ तकनीकी कारणों से रद्द हो गई। रैली की जो तस्वीरें मुझे मिली उसमें बहुत कम लोग दिखते हैं। बीजेपी नेता की रैली में मौजूद लोगों से अधिक लोग तो अर्थ मूवर की खुदाई को देखने या किसी गांव में दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए जुट जाते हैं। उन्होंने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के चंद्राकोना में एक रैली में कहा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की रैलियों में लोगों की व्यापक भागीदारी से संकेत मिलता है कि पार्टी 2 मई को 250 से अधिक सीट जीतकर सत्ता में लौटेगी। शाह पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। अभिषेक ने दांतन में एक अन्य रैली में कहा कि जब सोनार यूपी नहीं बना, सोनार असम या सोनार गुजरात नहीं बना तो बीजेपी सोनार बांग्ला का वादा कैसे पूरा कर सकती है। ऐसा लगता है कि दिलीप घोष, जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष है, गाय के दूध से सोना निकालकर सोनार बांग्ला बनाएंगे। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।